नमस्कार, मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था। आप सबको मैं न्यूज क्लिक में स्वागत कर रहा हूं। आज मेरा साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे जी हैं और मैं उनके साथ बिहार का जो विधानसभा चुनाव का नतीजा आ गया इसके ऊपर हम विश्लेषण करेंगे। और बिहार का जो चुनाव है ये सिर्फ बिहार का राजनीति नहीं, भारतवर्ष का राजनीति के ऊपर क्या असर पड़ सकते हैं और नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य, ये सारे विषय के लिए हम बातचीत करेंगे। अभय जी धन्यवाद आपका समय आपने दिया न्यूज क्लिक दर्शक को। शुक्रिया। मैं पहले जो संदेश क्या आ रहे हैं, मंगलवार मध्य रात तक लोगों को मालूम नहीं था कहां जाएगा। अगर 2 महीना पीछे चले जाएंगे तो लोग कह रहे थे ये बिहार का विधानसभा चुनाव एक तरफा होगा। फिर जब तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार शुरू कर दिया लोग बोला बहुत एकदम कांटे का टक्कर, एग्जिट पोल ज्यादा से ज्यादा एग्जिट पोल बताया कि नहीं ये महागठबंधन के साइड जा रहे। आपके जैसे आप जिस संस्था के साथ आप जुड़े हुए CSDS सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, आप लोग ने कहा नहीं इतना आसान नहीं है और NDA का गठबंधन का भी एक जीतने का बहुत बड़ा संभावना है, वही हुआ। मगर आप अगर पूरा वोट्स देखेंगे दोनों गठबंधन लगभग एक ही मिला, वोट शेयर वही था। हाँ सीटों में तो थोड़ा बहुत फर्क आया मगर एकदम बहुत ही एक कांटे का टक्कर था ये विधानसभा चुनाव। तो ये बिहार के राजनीति और भारतवर्ष के राजनीति के ऊपर हम क्या संदेश हमें मिल रहा है इस विषय के ऊपर आप पहले बताइए हमें। देखिए कांटे की टक्कर क्यों हुई वहां पर, इस बारे में इसके बारे में सोचना चाहिए हमें। कांटे की टक्कर होनी ही नहीं चाहिए थी, ये चुनाव तो पूरी तरीके से महागठबंधन के पक्ष में होना चाहिए था। उसका उसका सीधा कारण है, इसमें कोई शक नहीं। मैं पटना में भी था, तीसरे चरण का जो मतदान था उस वक्त मैं पटना में था, TV कार्यक्रम कर रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था, वहां के स्थानीय पत्रकारों से बातचीत कर रहा था। और फिर जब ABP चैनल ने स्थानीय पत्रकारों का एक पोल कराया, वो एक बड़ा 38 जिलों के हर जिले के 3-3 पत्रकारों ने एक एक प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के ऊपर अपनी राय दी कि वहां कौन आगे है कौन पीछे है। वो लोग बहुत ही जमीनी समझ वो लोग रखते हैं। सब मिलाकर नतीजा ये निकल रहा था कि चुनाव में कांटे की टक्कर हो गई है, और लेकिन वो टक्कर महागठबंधन के पक्ष में झुकी हुई है। कांटे की टक्कर जरूर है लेकिन पलड़ा थोड़ा महागठबंधन का भारी है। ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरा तो मानना है ये चुनाव महागठबंधन को आसानी के साथ जीतना चाहिए था। इसके दो कारण है। पहला कारण ये है कि नीतीश कुमार की सरकार से लोग खुश नहीं थे, खासतौर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ NDA के जो वोटर्स थे, ऊंची जातियों के वोटर्स जो थे, वो भी नीतीश कुमार की सरकार से खुश नहीं थे। वो नीतीश कुमार को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते थे। और दूसरे NDA के अंदर फूट पड़ी हुई थी, एक तो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और दूसरे NDA एकताबद्ध होकर लड़ नहीं रहा था। उसके अंदर से एक जो दुसाधों की पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी, वो बाहर निकल आई थी। वो अपने सारे उम्मीदवार JDU नीतीश कुमार की पार्टी खिलाफ खड़ी कर रही थी, भाजपा का सपोर्ट कर रही थी, जमीन पर भ्रम की स्थिति थी। ऐसी स्थिति में तो अगर कुशल विपक्ष होता, उसके पास अच्छी रणनीति होती और अच्छी तरीके से अपनी गोटें बिठाता तो वो उस चुनाव को जीत सकता था। लेकिन जीतने की तो बात दूर रही है, वो लोग चुनाव हार गए। इसके ऊपर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये भाई बनी बनाई परिस्थिति थी, उसका लाभ ये लोग क्यों नहीं उठा पाए। आज अगर ये लोग चुनाव जीत जाते तो आज बिल्कुल राजनीति का प्रवाह कुछ और ही होता। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल की संभावनाओं पर इसका विपरीत असर पड़ रहा होता और कुल मिलाकर विपक्ष की राजनीति को एक बहुत बड़ा उछाल मिलता है यहाँ पर चुनाव जीतने से। अभय जी लेकिन ऐसा हुआ, इसके कुछ कारणों शुरुआती कारण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला कारण तो यह है कि जो महागठबंधन था उसने अपनी सामाजिक रणनीति ठीक से नहीं बनाई। चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी और नीतीश ने मिलकर चतुराई पूर्वक इनकी सामाजिक रणनीति विफल कर दी। देखिए जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, ये दोनों के दोनों पहले महागठबंधन के साथ में मोलभाव कर रहे थे,
महागठबंधन के साथ जुड़ना चाहते थे, ये लोग भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ नहीं जुड़ना चाहते थे, उन दोनों को भी दिख रहा था नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकमबेंसी है, लेकिन महागठबंधन के साथ जोड़ तोड़ करता रहा, बातचीत करता रहा, लेकिन एन मौके पर बिल्कुल आखिर में ये दोनों महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। कहा यह जाता है कि मुकेश सहनी से अमित शाह ने यह कहा कि आप वहां पर बोल बोल करते रहिए और एन मौके पर छोड़ के आइए ताकि कोई उनके पास चारा ना रह जाए। इसी तरीके से नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी से कहा कि आप ठीक है वहां बोल बोल करते रहिए, एन मौके पर छोड़ के जाइए ताकि समय न रह जाए उनके पास अपने गठबंधन को बड़ा बनाने का। तो जिस वक्त वो उनके साथ मोल भाव कर रहे थे उस वक्त महागठबंधन के जो रणनीतिकार थे उनके साथ समझौता करने में, सीटों को बंटवारा करके उनको संतुष्ट करने में विफल रहे। ये बात सही है कि छोटी पार्टियां हमेशा ही बहुत बढ़ा चढ़ा के अपनी दावेदारियां करती हैं, ज्यादा सीटें मांगती हैं, यही राजनीतिक कुशलता है। इसके बावजूद आप उन्हें किसी न किसी अपने साथ जोड़े तो आप गठजोड़ राजनीति में आपका सामाजिक आधार जितना विस्तृत होगा उतना ही आपको कुल मिलाकर फायदा होगा। तो पहली सामाजिक रणनीति की विफलता इनकी ये रही। दूसरी विफलता इनकी ये रही कि इनका जो सामाजिक आधार था, खासतौर से यादव जाति है जो कि राष्ट्रीय जनता दल की स्थायी जमा पूंजी है, उसका व्यवहार जो था वो बहुत ही आक्रामक था। ये मैंने खुद देखा वहां पर पटना के अंदर, बहुत आक्रामक व्यवहार था, इतना आक्रामक व्यवहार था कि उससे बहुत दूसरे लोग डर गए, दूसरे समुदाय डर गए कि अगर इनको सत्ता मिलेगी तो हम लोगों का क्या होगा। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जंगल राज वगैरह की मुहिम चलाई तो वो सारा का सारा डर जो है लोगों के दिमाग में और बस गया। बहुत से लोग जो कि एनडीए से उदास थे, एनडीए को हो सकता महागठबंधन को वोट ना देते लेकिन एनडीए को वोट नहीं देना चाहते थे, वो सब लोग फिर कटिबद्ध होकर बाहर निकले और उन्होंने दूसरे और तीसरे दौर के अंदर बड़े पैमाने पर वोटिंग की। महिलाओं के बारे में महागठबंधन का रिकॉर्ड बहुत खराब है, मैंने स्वयं महिलाओं से बातचीत की और वो बड़ा मुश्किल है, अगर महिला खुद यादव जाति की नहीं है तो वो महागठबंधन के पक्ष में सोचना उनके लिए बहुत मुश्किल है। अभय जी मैं रोक रहा हूँ आपको, आपने अभी तक जितने सारे बात किया इसमें से दो या तीन सवाल उठ रहे हैं मेरे मन में। तो आप कह रहे हैं कि जो तेजस्वी का जो MY यानी कि मुस्लिम यादव A to Z नहीं बना, बताया मगर सचमुच नहीं बना। अब ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का 15 साल राज, लगभग 15 साल, वो एक सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी, एक प्रतिष्ठान विरोधी एक माहौल नहीं बना, उसके ऊपर गुस्से भी थे, फिर भी NDA गठबंधन जीत गया। इसका कारण ये है कि महागठबंधन अपना रणनीति ठीक तरह से नहीं कर पाया और दूसरे चरण तीसरे चरण में ज्यादा से ज्यादा। एक और सवाल उठता है, आप विकास का मुद्दा उठाया, सारे राजनीतिक दल विकास का मुद्दा उठाया और तेजस्वी यादव बार बार बेरोजगारी, प्रवासी मजदूर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारे मुद्दे उठाए, मगर भारतीय जनता पार्टी और JDU भी यही कह रहे हैं कि हम देखिए हम सुशासन दिया आपको। और आखिरी जो सवाल है कि बिहार का राजनीति में हम सब जानते हैं जाति की एक बहुत बड़ा प्रभाव है, मगर आप क्या मानते हैं इस बार इस विधानसभा चुनाव में जाति का जो प्रभाव है थोड़ा बहुत कमजोर हो गया? आप कास्ट प्लस पॉलिटिक्स, ऐसा नहीं है कि जाति आज बिहार का राजनीति में आप भूल जाएंगे? नहीं, कभी नहीं भूलेंगे आप, फिर भी विकास का मुद्दा और अर्थनैतिक मुद्दा ज्यादा, ये तीन चार दो तीन सवाल है तो इसके ऊपर भी आप कहिए। देखिए अगर आप CSGS के ताजे आंकड़े देखें, पोस्ट पोल सर्वे के आंकड़े हैं जो आज इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुए हैं, और उसमें आप देखें कि जातियों के वोट मोटे तौर पर कहां पड़े, तो आप पाएंगे जिसका जो सामाजिक आधार था जातियों के वोट 70-80% उसके पास गए, यादवों के वोट 83% राष्ट्रीय जनता दल को मिले, मुसलमानों के वोट 73% राष्ट्रीय जनता दल को मिले, कुर्मियों के वोट 80% से ज्यादा नीतीश कुमार को मिले। आप ऊंची जातियों के वोट देखिए, सारे के सारे वोट 50%, 54%, 59%, 58% सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, राजपूतों के, भूमिहारों के, ब्राह्मणों के वोट भाजपा में दिखाई पड़ते हैं। तो जिसका जो सामाजिक आधार था वो उसके साथ में बना रहा। इसका सीधा मतलब है हम लोग जो मान रहे थे कि रोजगार का मुद्दा, आर्थिक प्रश्न जो है लोगों को
जाति से अलग हटकर वोट करने के वोट करने की तरफ ले जाएंगे, ये नहीं हो पाया। ये हो सकता था, ये इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहां जो बुनियादी चुनावी रणनीतियां होती हैं, वो जो बुनियादी चुनावी रणनीतियां जब ठीक ना हो, जब आप अपने समर्थन आधार को संयमित रख पाने में संयमित रख पाने से रोक ना पाए, उसके बाद समाज में कुछ खास तरह की फियर साइकोसिस और डर के माहौल बनते हैं, और डर के माहौलों के कारण बिहार जैसी जगह में लोग एन मौके पर अपनी वोटिंग प्राथमिकताएं बदलते हैं, जो कि बिहार में होते हुए दिखा। मेरा मानना है कि अगर अपने अपने समर्थन आधार को तेजस्वी यादव ने संयमित रख पाया होता। दूसरे, अब आते हैं आप मुसलमानों वाले प्रश्न के ऊपर। मुसलमान वोट 73% महागठबंधन को मिलता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक खास इलाके के अंदर जो सीमांचल वाला इलाका है, जहां मुसलमान वोट बहुत केंद्रित हैं, वहां पर क्या होता है कि एक मुस्लिम पार्टी सामने आती है और वो उन मुद्दों पर बातचीत करती है जिन मुद्दों पर बातचीत करने से दूसरे गैर मुस्लिम सेकुलर दल घबराते हैं। आजकल वो सीए के सवाल को उठाती है, वो दूसरे प्रश्न जो किसी जमाने में सेकुलर दल उठाते थे उन सवालों को उठाती है, और इसलिए मुसलमानों का एक हिस्सा उसके पक्ष में चला जाता है, और महागठबंधन को न केवल 5 सीटों का नुकसान होता है सीधे सीधे, बल्कि दूसरी अन्य कई सीटों पर भी असर पड़ता है, क्योंकि वो इस तरह के सवाल उठा रही थी जिस डर के कारण महागठबंधन वाले सवाल भी उठा रहे थे, उसी डर के कारण कुछ हिंदू ध्रुवीकरण भी उसके खिलाफ होता है, और एक सीमांचल के इलाके में जहां महागठबंधन को अच्छे स्ट्राइक रेट की उम्मीद थी, वहां वो पिछड़ जाता है। कम से कम 5 विधायक सीमांचल इलाका से AIMIM का उम्मीदवार को वो जीत गए हैं। आप एक और उदाहरण उसके अंदर, तस्लीमुद्दीन जो सीमांचल के सबसे बड़े मुसलमान नेता थे जिनका देहांत हो चुका है, उनका छोटा बेटा वो MIM से लड़ा, और उनका बड़ा बेटा राष्ट्रीय जनता दल से लड़ा, छोटे बेटे ने बड़े बेटे को हरा दिया, और आप MIM को जो वोट मिले हैं आप देखिए, उनको वोट बहुत अच्छे मिले हैं। दूसरी जगहों पर जहां वो चुनाव नहीं जीते, वहां भी उन्होंने अच्छे खासे वोट काटे हैं। उन्होंने जो काम लोक जनशक्ति पार्टी वालों ने नीतीश कुमार के लिए किया, वो काम MIM वालों ने महागठबंधन के लिए किया, तेजस्वी की पार्टी के लिए किया। अच्छा, तो ये आप ये आपने जो लोजापा के बारे में कहा, चिराग पासवान, आप क्या सचमुच समझते हैं कि चिराग पासवान अपने आप जो करना था कि वो वोट काटना था उसका, और किसके वोट काटना है? नीतीश कुमार, जदयू का वोट काटना है। क्या सचमुच अपने आप, क्या ये कि सचमुच इसके पीछे कोई षड्यंत्र थे? ये जो चिराग पासवान ने किया, भारतीय जनता पार्टी या NDA का कुछ लोग उनको कहा ये करने के लिए, वो तो एकदम बिल्कुल एक ही विधायक मिल गया। ये क्या लगता है प्रणजय? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू में ही भाप लिया था कि नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत एंटी इनकमबेंसी है, इसलिए उसकी रणनीति ये थी कि उस एंटी इनकमबेंसी का जो वोट है, यानी सरकार से नाराजगी वाला जो वोट है, वो किसी तरीके से एक मुश्त राष्ट्रीय जनता दल की तरफ न जा पाए। ठीक है, या वो उदासीन होकर अपने घरों में भी न बैठा रहे, तो उस वोट को कैसे बिखेरा जाए, इसकी रणनीति मोटे तौर पर उन्होंने बनाई। मैं मानता हूं कि उस व्यापक रणनीति के कई कई पहलू हैं। एक उसमें लोक जनशक्ति पार्टी एक पहलू है, उसी का एक पहलू MIM का चुनावी प्रदर्शन भी हो सकता है। इन सब चीजों के कोई सबूत नहीं होते हैं, इन सब चीजों के प्रमाण नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग केवल अंदाजा लगा सकते हैं, वोटिंग के आंकड़े से अंदाजा लगा सकते हैं कि वोट किधर पड़ा, क्या पड़ा, किसने किसको हराया, किसकी वजह से लोग हार गए। जो स्पॉइलर होता है वो अगर हारने का अंतर जो है उससे ज्यादा उसको वोट मिल रहा है, सीधा मतलब है उसकी वजह से आप चुनाव हारे। तो ये दोनों पार्टियां दो अलग अलग तरह की रणनीतियां पूरी कर रही थी, और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ताओं ने टीवी पर साफ तौर पर मान लिया है कि हम नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहते थे और भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाना चाहते थे। उन्होंने निसंकोच ये माना है कि हमारा मकसद था कि हम नीतीश कुमार को कमजोर करें और भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने की बनाए। और इस चूंकि भारतीय जनता पार्टी साथ मिलकर नीतीश कुमार को सरकार बनानी है, इसलिए उनके प्रवक्ता ये आरोप RJD के ऊपर लगा रहे थे कि लोजपा ने RJD से साजिश कर ली है, जबकि दरअसल क्योंकि भाजपा की वो आरोप खुलेआम लगा नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि इस तरह की गोटें चुनाव के पहले ही बैठा दी गई थी,
और उनका कुल मिलाकर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। अच्छा अभय जी, अभी ये सवाल है कि आपने जैसे कहा जो लोजापा चाह रहे थे और शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ऐसे चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अभी ये एनडीए गठबंधन में आगे बढ़ जाए। आप जानते हैं जदयू का क्या स्थिति है, उनका 115 उम्मीदवार थे, सिर्फ 43 लोग विधायक बना। भारतीय जनता पार्टी का क्या नंबर है ये भी आप जानते हैं 2015 में, ठीक है वो 2015 के साथ शायद हम तुलना नहीं कर पाते, मगर मेरा सवाल है कि अब सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जी जो 6 बार बिहार में मुख्यमंत्री पद में शपथ ग्रहण किया, समय बताएंगे आने वाले कुछ दिनों में हमें पता चलेगा कि ये 7वां बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं, मगर संभावना है वो बनेंगे, फिर भी कमजोर हो गए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम भी जानते हैं नीतीश कुमार का पूरा राजनीतिक इतिहास क्या है, जयप्रकाश नारायण की आंदोलन के से शुरू करे, मीसा में उसको अपना जेल भी जाना पड़ा। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक आज कह रहे कि नीतीश जी आज इनसिक्योर बन गए, असुरक्षित और चिंतित है बहुत। आप नीतीश कुमार जी का राजनीतिक भविष्य के बारे में कहिए। मुझे तो लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी तय कर चुकी है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उसके बाद में हो सकता है कि 1 या 1.5 साल के बाद में, क्योंकि भाजपा किसी भी तरह का बिहार में प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उसे बंगाल का चुनाव लड़ना है। नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री वो नहीं बनाती है तो फिर नीतीश कुमार कई तरह के प्रयोग कर सकते हैं, वो दोबारा आरजेडी के साथ जा सकते हैं या और ऐसा कोई भी कदम उठा सकते हैं, इसके बारे में अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि वो भी कुशल और बड़ी चतुर राजनेता हैं और वो इस मामले में जज्बातों से काम नहीं लेते हैं, जज्बात से काम नहीं लेते हैं, वो विशुद्ध रूप से उनका राजनीतिक नफा नुकसान वाला पूरा मामला चलता है और हम लोग उनके राजनीतिक करियर से वाकिफ हैं। तो वो भाजपा किसी भी तरीके से बिहार में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे बंगाल के चुनाव के ऊपर कोई विपरीत असर पड़े, इसलिए उनको अभी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि वो उनके सामने कई प्रस्ताव रखे जाएं, उनको देश का उपराष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है, उनको राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, उनको केंद्र में मंत्री पद भी दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में उनको अपने साथ ही रखना चाहेगी, चाहे मुख्यमंत्री बना के रखे या वो उनको दिल्ली में ले जाए, कहीं राजभवन में वो चले जाए। हाँ, कोई विवाद उनके साथ में कोई विवाद पैदा करना भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का अंग नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो वो नीतीश अभी बिहार में सरकार उनकी बनेगी, वो सरकार चलाएंगे, क्योंकि भाजपा के पास लगभग दूने विधायक हैं तो भाजपा के ज्यादा मंत्री होंगे और ये सरकार पूरी तरीके से भाजपा के इशारों पर चलेगी। 74 विधायक है, नीतीश कुमार की जो अपनी ऑटोनॉमी है, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है, उसके अंदर भारी कटौती होगी और उस कटौती को नीतीश कुमार को स्वीकार करना होगा, क्योंकि सीधे सीधे चुनावी जो आंकड़े हैं वो उनके पक्ष में नहीं है। तो अभय जी, मेरा आखिरी सवाल, मैं जहां से शुरू किया वहीं से वापस जा रहा हूँ, ये बिहार का विधानसभा चुनाव का संदेश क्या है? मैं आपके CSDS के साथ उनका भी रिश्ता है, सुहास पाल शिखर जी का लेख में पढ़ा था इंडियन एक्सप्रेस में, उन्होंने कहा कि एक तरह से ब्रांड मोदी पूरा भारतीय जनता पार्टी आज ये ब्रांड मोदी के ऊपर जो निर्भरता ये बहुत बढ़ गया और ये एक तरह से वो कह रहे हैं दो धारा एक तलवार की तरह है। तो एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल के साथ एक सामाजिक संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो अगर इंदिरा गांधी के बाद पूरा जो एक व्यक्ति के ऊपर पूरा देश का राजनीति एक व्यक्ति केंद्रित हो गया, एकदम पर्सनलाइजेशन हो गया पूरा भारतवर्ष का राजनीति, ये बहुत साल के बाद ऐसे हुई है। तो ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और RSS के लिए भी एक खतरा है, ये है। और मैं वापस जा रहा हूं आपके साथ, मैंने कुछ हफ्ते बाद
बातचीत किया और आपने कहा भारतवर्ष में राजनीति में एक परिवर्तन हम देख रहे हैं, और आपने कहा सरकारीकरण हुई है भारतवर्ष का राजनीति, द गवर्नमेंटलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये दो विषय के ऊपर आप कुछ कहिए। देखिए, पहली बात है, मैं सुभाष जी की इस बात से सहमत हूँ कि मोदी एक बहुत बड़े ब्रांड बन के उभरे हैं और इंदिरा गांधी के बाद वो दूसरे ऐसे नेता हैं व्यक्तिगत रूप से जिनके इर्द गिर्द सारी राजनीति हो रही है। लेकिन इंदिरा गांधी के जमाने से इस जमाने में थोड़ा फर्क है। वो फर्क यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने, जिसे पार्टी बिल्डिंग कहते हैं, संगठन बनाने की प्रक्रिया कहते हैं, वो बहुत गंभीरता पूर्वक चलाई है। जब से मोदी आए हैं सत्ता में, तब से भारतीय जनता पार्टी का एक पार्टी के तौर पर बहुत विकास हुआ है। मोदी के नेतृत्व पर वो निर्भर जरूर है, लेकिन संगठनात्मक कुशलता, संगठनात्मक विस्तार और संगठनात्मक मजबूती भारतीय जनता पार्टी में पहले के मुकाबले और आई है। इंदिरा गांधी के जमाने में क्या होता था कि इंदिरा गांधी की शख्सियत के इर्द-गिर्द सारी राजनीति होती थी, लेकिन कांग्रेस एक संगठन के रूप में कमजोर होती जा रही थी। कांग्रेस एक संगठन के रूप में कमजोर होती जा रही थी, विभिन्न सामाजिक समूह कांग्रेस से हटते जा रहे थे। भाजपा में उल्टा हो रहा है, मोदी के उत्थान के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक रूप से मजबूत हो रही है और विशाल हो रही है और विभिन्न सामाजिक समूहों को अपने साथ बराबर जोड़ती चली जा रही है। तो इस दृष्टि से मोदी, भाजपा और समाज का जो त्रिकोणात्मक संबंध है, वो संबंध इंदिरा गांधी कांग्रेस और समाज के त्रिकोणात्मक संबंध से अलग तरह का है। उसको इंदिरा गांधी के जमाने की कॉपी या प्रतिकृति समझ के देखने के बजाय हम लोगों को नए सिरे से देखना चाहिए। भारतीय समाज में एक हिंदुत्ववादी उछाल आया है, बहुसंख्यकवादी उछाल आया है, वो भी और विभिन्न समुदायों को बीजेपी राजनीति में लेवल प्लेइंग फील्ड देने का वायदा करके अपने साथ यूपी में, बिहार में और दूसरी जगहों पर जोड़ती चली जा रही है। भाजपा का जो कार्यकर्ता बेस है वो लगातार विस्तृत हो रहा है और एक मशीनरी है जो पूरी तरह चुनाव में खड़ी हो जाती है और वो पूरी तरह सक्रिय हो जाती है, पंचायत से लेकर दिल्ली तक। और साथ में मोदी का नेतृत्व है, मोदी के पास ऐसे कई लेफ्टिनेंट हैं जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे जेपी नड्डा के बारे में माना जाता था कि भाई ये तो अमित शाह के पासंग भी नहीं है, अमित शाह से इनकी क्या तुलना की जा सकती है। लेकिन आप बिहार चुनाव में उनका प्रदर्शन देखिए, अमित शाह ने बिहार चुनाव के दौरान वहां कदम भी नहीं रखा, लेकिन जेपी नड्डा ने पूरे बिहार चुनाव में बिल्कुल आगे फ्रंट फुट पे आके बल्लेबाजी की। पूरे बिहार चुनाव में घूम घूम के उन्होंने रैलियां की और पार्टी का एक अध्यक्ष के तौर पर जो महत्वपूर्ण चुनाव में नेतृत्व होना चाहिए था, निसंकोच भाव से, निर्द्वंद भाव से उन्होंने नेतृत्व किया। इस तरह उनकी शख्सियत और निकल के आई है इसके अंदर। तो ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि वो ऐसे लोगों की खोज कर पाने में, उनको जिम्मेदारियां दे पाने में और उनसे उचित काम ले पाने में समर्थ है। संगठन का विस्तार हो रहा है, मोदी के खिलाफ निजी तौर पर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मोदी का कोई मुकाबले नहीं, विपक्ष के पास वैसे मुकाबले का कोई नेता नहीं है। इस लिहाज से ये इंदिरा गांधी के जमाने से भी ज्यादा अलग तरह का जमाना है, ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो सरकारीकरण राजनीति, सरकारीकरण का सवाल है, वो लगातार जारी है। सरकारीकरण लगातार जारी है और सरकारीकरण की एक और विशेषता है, वो विशेषता यह है कि अगर सरकार खराब काम करती है, अगर सरकार ने कुछ गलतियां की हैं, खामियां की हैं, जनता का कोई तबका या जनता उस सरकार से नाराज है, तो सरकार से नाराजगी, सरकार का जो राजनीतिक नेतृत्व है उससे नाराजगी में नहीं बदलती है। मोदी के इर्द गिर्द एक राष्ट्रीय सहमति बन गई है, एक नेशनल कंसेंसस मोदी के इर्द गिर्द बन गया है। तो ये मानना कि सारे लोग बीजेपी ने खरीद लिए हैं या सारे लोग बिक गए हैं, ऐसी बात नहीं है। इंदिरा गांधी के बाद बहुत सारे लोग ये उम्मीद कर रहे थे कोई ऐसा नेता उभरे, वो नेता हमें पसंद हो या ना पसंद हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आम लोगों को पसंद है, तो उनके इसके इर्द-गिर्द एक राष्ट्रीय सहमति बन गई। मैंने कहा आखिरी सवाल, दो सवाल आपसे पूछा, फिर भी एक और सवाल मेरा दिमाग में आ गया, ये सचमुच आखिरी सवाल है। आप तेजस्वी का राजनीतिक भविष्य क्या देख रहे हैं? उम्र सिर्फ 31 है, ये तो साफ हो गया कि विरोधी दल का नेता बनेगा बिहार का विधानसभा में, मगर जिस तरह से तेजस्वी आगे बढ़ा, और भाई भारतीय जनता पार्टी वही बार बार वही कह रहा है, ये परिवारवाद है, लालू यादव का बेटा है, ये सब हो रहा है, मगर जिस तरह से इस बार वो चुनाव लड़ा,
चुनाव प्रचार किया, आप कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव जी का राजनीतिक भविष्य? देखिए, बिहार में लालू यादव का जमाना जा चुका है। तेजस्वी यादव को अगर चुनाव जीतना है बिहार में तो उन्हें MY प्लस प्लस की रणनीति अख्तियार करनी होगी। उनका जो चुनावी आधार है मुसलमान यादव, उसके बाद वो कितने सामाजिक समूहों को अपने साथ जोड़ पाते हैं इसकी जुगाड़ करनी होगी उन्हें। ये जुगाड़ कर पाने में इस बार वो नाकाम रहे, वरना अभी वो बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होते। दूसरे, आप नीतीश कुमार की सीटें जरूर कम हुई हैं क्योंकि लोजपा ने उन्हें सीटें जीतने नहीं दी, लेकिन आप अगर चुनावी आंकड़ों पर देखें जो CSGS के प्रकाशित हुए हैं, उन चुनावी आंकड़ों में नीतीश कुमार का जो जनाधार है उसने नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ा है। उनको कुर्मी वोट भी मिले हैं, उनको एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के वोट भी बड़े पैमाने पर मिले हैं, स्त्रियों ने भी उनके प्रति हमदर्दी दिखाई है। इसलिए नीतीश कुमार जब राजनीति से रिटायर होंगे तो ये सारा जो उनका जनाधार जो है, ये सवाल रहेगा, ये किधर जाएगा? ये तेजस्वी की तरफ जाएगा जनाधार, या भारतीय जनता पार्टी जनाधार को निकल जाएगी? मुझे आज की स्थिति में ये सारा जनाधार भाजपा में चला जाएगा और भाजपा बिहार की एक बहुत ताकतवर पार्टी बन जाएगी बिना नीतीश कुमार की मदद के। तेजस्वी चाहिए, तेजस्वी को अपनी नीतियां, अपने जनाधार को, अपने संगठन को इस प्रकार नियोजित करना होगा, इस तरह कैलिब्रेट करना होगा कि नीतीश कुमार के जाने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट होगा, जो शून्य होगा, उस शून्य में से वो नीतीश कुमार के जनाधार के बड़े हिस्से को अपनी ओर खींच लें। देखिए, RJD को अपना स्त्री संबंधी रिकॉर्ड बेहतर करना होगा। बिल्कुल, आप जैसे लोग कह रहे थे ये जो शराबबंदी किया है ये नीतीश कुमार का फायदा नहीं मिलेगा, मगर आज देख रहे महिला के ऊपर उन्होंने काम किया, उनके शिक्षा के ऊपर उनको साइकिल दिया, उससे पहले भी पंचायती राज संस्थाओं में उसको 50% आरक्षण मिला। बहुत आज नहीं, बहुत साल से ही चल रहा है, तो आज भी बिहार की जनता को यकीन दिलाना होगा कि वो कानून और व्यवस्था अच्छी चला सकते। उसके लिए मान लीजिए पटना में भले सरकार सत्ता में ना हो, लेकिन सत्ता के जो दूसरे इदारे होते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, पंचायत है, दूसरी जगहों पे जहां पे RJD के हाथ में सत्ता हो, वहां उन्हें नमूने दिखाने होंगे कि भाई हम केवल एक बिरादरी के फायदे की, एक बिरादरी को फायदा पहुंचाने वाली पार्टी नहीं है, हम केवल एक बिरादरी के अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी नहीं है। ये सब काम उन्हें करने होंगे और ये व्यवहारिक रूप से बिहार की जनता के सामने पेश करना होगा कि हम भी गवर्नेंस की नेचुरल पार्टी है। अगर वो गवर्नेंस की, जैसे नीतीश कुमार की छवि थी सुशासन बाबू की, मतलब उसका साधारण मतलब हुआ वो गवर्नेंस के नेचुरल लीडर थे, इस तरह के नेतृत्व के तौर पे उन्हें उभरना होगा। दूसरे, वो चुनाव हार गए हैं, उन्हें दिखाना होगा कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, निराश नहीं होना होगा उन्हें, ऐसा ना हो कि कुछ दिनों के बाद वो गायब हो जाए, उनको लगातार वापस क्रिकेट का मैदान में जाना नहीं चाहिए या बॉलीवुड में नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद दवे जी, आपने करने होंगे दो तीन, एक तो स्त्रियों के बारे में अपना रिकॉर्ड वो ठीक करें, दूसरे MY++ की सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाए, वो बहुत जरूरी है। धन्यवाद, समय बताएंगे नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य, तेजस्वी यादव का राजनीतिक भविष्य। आपने न्यूज क्लिक का दर्शक को आपका कीमती समय आपने दिया, आप बारीकी से बिहार का विधानसभा चुनाव का विश्लेषण किया, इसका असर क्या पड़ेगा बिहार का राजनीति और भारतवर्ष के राजनीति के ऊपर, अत्यंत धन्यवाद। और आप सब अभय दुबे जी का बात सुन रहे थे, आप लोग देखते रहिए न्यूज क्लिक। We'll be right back.